आज का एक नया टॉपिक है हमारे पास कि कैसे समझें कि आपकी गर्लफ्रेंड क्या चाहती है। अब वो गर्लफ्रेंड भी हो सकती है और आपकी वाइफ भी, पर एक लड़की क्या चाहती है, हम इस पे आज बात करते हैं। वैसे लड़की को समझना ब्रह्मांड की रचना समझने से कहीं ज़्यादा मुश्किल है, फिर भी साहब हमें उसे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लड़कों का यही एकमात्र धर्म है। नहीं तो सारी ज़िंदगी उसे मनाने में निकल जाएगी, पता नहीं प्यार कब कर पाएंगे। चलिए कुछ कोशिश करते हैं और जानते हैं कुछ पॉइंट्स जिन पे हम बात करके जानेंगे कि लड़की को समझने की कोशिशें कैसे की जा सकती। पहला पॉइंट है कि सबसे पहले उसके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश की जाए, वो किस माहौल से बिलोंग करती है, ट्रेडिशनल है, मॉडरेट है और लिबरल है। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे उसकी पसंद और उसकी नापसंद के साथ उसके कंफर्ट का भी आप पता कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। ट्रेडिशनल होगी तो इशारों में, हल्की हल्की मुस्कुराहटों में, छेड़छाड़ में बहुत खुश हो सकते, और अगर मॉडरेट हुई तो फिर तो धूम धड़ाक, उछल कूद, शोर शराबा और मस्ती के सारे रंग उसे पसंद होंगे। सो इस तरह उसको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आसान हो जाएगा। आप समझ गए हैं, इस गुरूर में मत रहिएगा। अगली बात करते हैं तो उसकी चाहतों को जानिए, वो अपनी ज़िंदगी से क्या चाहती है। वो अगर आपको समझ में आ सकता है तो कौन से लोग उसके लिए इम्पोर्टेंट हैं, किस तरह का वर्ताव उसे पसंद है, आप ये भी जान पाएंगे। गुस्से में क्या करना चाहिए जिसमें उसे समझदारी लगती है, खुश होती है तो क्या करना उसे पसंद होता है, इस तरह उसकी सोच और उसकी खुशियाँ कहाँ कहाँ छुपी हुई हैं ये आप जान पाएंगे। सो आप उन्हें ढूंढ कर लाने में भी कुछ एफर्ट्स डाल सकते हैं। फिर अगला एक पॉइंट है कि उसके डर को जानिए, उसे किस बात का डर लगता है, वो क्या खोने से डरती है, उसको सबसे ज़्यादा डरावनी सिचुएशन कौन सी लगती है। इन बातों को जानकर आप उसे सेफ फील कराने में सफल हो सकते हैं। अक्सर लड़कियां ऐसे लोगों को पसंद करती हैं जिनके साथ वो कंफर्ट और सेफ फील करती हैं। जिस चीज़ से उसे डर लगता है उससे दूर रखकर आप उसके भरोसेमंद और फिक्र करने वाले इंसान बन सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। उसकी हदें पहचानिए, वो क्या पाने के लिए किस हद तक जा सकती है और खोने के बाद भी किस हद तक जा सकती है, ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। इससे उसकी सीमाएं पता चलती हैं। आप उससे सवाल कर सकते हैं कि अगर उसकी कोई पसंदीदा या उसकी कोई करीबी चीज़ छिन जाती है या कोई छीन लेता है तो वो क्या कर सकती है। इसके जवाब सुनकर आप उसकी सीमाएं और उसकी हदों का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस लेवल तक जा सकती है। तो ये कुछ तरीके हैं जिन्हें आप आजमाइए और देखिए आप इस संसार की सबसे जटिल रचना को कितना समझ सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपको जो भी अनुभव प्राप्त हो हमारे वीडियो के साथ लगे हुए कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।